10:30 तक स्थिति क्या है मांडर की वो भी हम आपको बताएंगे, साथ ही बहुत सारी ताजा तरीन खबरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हेडलाइन के बाद सबसे पहले बात मांडर के मुकाबले की ही। राजौर जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। पहले 2 घंटे यानी कि 9 बजे तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 13.5% तक मतदान हो गया है। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी बूथों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ बलों को तैनात किया गया है। मांडर उपचुनाव में कुल 433 मतदान केंद्रों के लिए 1732 मतदान कर्मी और लगभग 3000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों में 145 अति संवेदनशील बूथ हैं, जबकि 216 संवेदनशील बूथ और वनरेबल बूथों की संख्या 55 है। उपचुनाव में बोगस मतदान रोकने के लिए पहली बार 38 पर्दा नशी बूथ बनाए गए हैं। सभी पर्दा नशी बूथ पर महिला मतदान कर्मी की तैनाती की गई है। 433 मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे पर धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है। मांडर में कुल 5 प्रखंड हैं, इटकी, बेड़ू, मांडर, लापुंग और चानो, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। यानी कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में ये 5 प्रखंड है। मांडर उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मांडर की जनता अपना नया विधायक चुन रही है। सुबह से ही मतदान को लेकर खासा उत्साहित है जनता वहां की, उत्साह अच्छा देखा जा रहा है उनमें। लोकतंत्र की कुछ अच्छी तस्वीरें भी इसी वजह से वहां से आ रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोगों की कतार लगी हुई है मतदान केंद्रों के बाहर बूथों पर। आधी आबादी भी पूरे जोश के साथ वोट करने के लिए पहुंच रही है। दिव्यांग या बुजुर्गों के लिए भी व्हीलचेयर मौजूद है। उम्र ज्यादा हो लेकिन उत्साह बिल्कुल नए वोटर जैसा इनमें भी नजर आ रहा है। तो वही आदर्श बूथ में वोटर्स का स्वागत शरबत चाय से किया जा रहा है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बंधु तिर्की की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा बीजेपी के लिए भी कि क्या वो यहां से कमल खिला पाएगी या दूसरे प्रत्याशी जो भी मैदान में, सभी की किस्मत इस वक्त दांव पे लगी हुई है। और हमारे सहयोगी बिपिन और राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल पल की खबर देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं और इसलिए हर एक बूथ से कोशिश पूरी हमारी है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर पाए। और इसी कड़ी में हर एक तस्वीर हम तक पहुंच रही है, दर्शकों को हर एक जानकारी हम दे रहे हैं। बिपिन और राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिपिन के पास चलते हैं सबसे पहले। बिपिन, अब चुनाव का जो प्रतिशत है वो काफी उत्साहजनक दिखने लगा, एक संकेत मिलने लगा है कि ठीक ठाक मतलब वोट परसेंटेज आ सकता है। फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, 14 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला जो मांडर विधानसभा की मतदाता हैं वो कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और लगभग कमोवेश हर बूथ में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि मतदाताओं में जागरूकता है और लंबी लंबी कतारें विभिन्न बूथों पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहा है, जिन परिस्थितियों के बीच उपचुनाव कराए जा रहे हैं और उसके बाद से जो राजनीतिक समीकरण है उसको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। जहाँ अगर हम बात करें तो कांग्रेस अलग झारखंड बनने के बाद पहली बार ये सीट जीतने के लिए पूरी जद्दोजहद से चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने भी फिर से एक बार गंगोत्री कुजूर को मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक देव कुमार धान भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जोरदार तरीके से चुनावी मैदान में है। और सुबह से लगातार जो खबरें आ रही है, और इस वक्त मैं लापुंग प्रखंड में हूँ पंकज, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो पिछला प्रतिशत आया था उसमें दूसरे पायदान पर लापुंग प्रखंड था। 9 बजे तक 14.10% मतदान जो था यहाँ हो गया था। और अब अभी का जो दृश्य है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लंबी कतार है और लगातार ये जो राज्यकृत मध्य विद्यालय लापुंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो टर्नअप हुए हैं। ये दृश्य अपने आप में बताने को काफी है कि सुदूरवर्ती इलाका है लापुंग, रांची जिले का ये प्रखंड जहाँ पर मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव हो रहा है। और ये उपचुनाव की तस्वीर, मतदाता सब काम छोड़कर अपने वोट को कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो ये बेहतर संकेत है कि अगर मतदाताओं के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह से जागरूकता नजर आ रही है कि इस उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जो अधिकार लोकतंत्र में मिला है। एक चीज जो हम लगातार देख पा रहे हैं, इसमें हमने जैसे फोरबिन भी एक दिखाया, बहुत सारी तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी थी कि शरबत और चाय पिलाया जाए, लेकिन चाय पिलाने वाली जो तस्वीर थी वो बड़ा सारा सवाल खड़ा कर रही है। तस्वीर आपने भेजी, आपने जानकारी दी,
तो मतलब क्या जानकारी मिल पाई, मतलब कैसे हो सकता है ये? एक और ये समझ ही नहीं पा रहे हम कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव किस रूप में ले हम। और देखिए विपिन इसमें जुड़ेगा आपसे, लेकिन सीधा हमारे साथ उपायुक्त छवि रंजन जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे हम ये सवाल पूछते हैं। सर देखिए बच्चों को बुलाया गया था, स्कूल बंद है, बावजूद बच्चे स्कूल ड्रेस में पहुंचे थे और चाय पिला रहे थे, यहां तक कि व्हीलचेयर पहुंचाने में मदद करते। देखिए सामान्य तौर पर निजी तौर पर अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर सरकारी कोई काम है, चुनाव हो रहा है, तो क्या ये कैसे संभव है? देखिए इसमें हम लोग के संज्ञान में आया था, ये आरसी बॉयज स्कूल दोनों की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी, फिर वीडियो वहां पहुंच कर चीजों को समझ बुझा के बच्चों को वहां से हटवाया गया है। और मेरे ख्याल से आज सरकारी अवकाश घोषित किया जा चुका है, उसके बावजूद बच्चे आए हैं और मैं संभवतः उनको जानकारी ना हो इसलिए उनको लगाया गया होगा, बट इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और फिलहाल अभी सभी बच्चों को इस तरह के सभी निर्वाचन कार्य से उनको रिमूव कर दिया गया है। तो किस स्कूल के बच्चे थे और किन्होंने बुलाया था, क्या ये पहचान हो चुकी, कर ली गई है? नहीं अभी तो जांच पड़ताल हो रही है, बट ये आरसी बॉयज स्कूल बेड़ो है वहां से सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों को, और वीडियो भी वहां पर स्पॉट पे गए हुए हैं और उसकी छानबीन कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है उनके द्वारा। मतलब क्या कोई कोई कार्रवाई भी होगी स्कूल पे या स्कूल में उन शिक्षक पे जिन्होंने बच्चों को बुलाया था? वो तो जांच का विषय देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में बच्चे आए, स्वेच्छा से आया है कि जबरदस्ती किसी को भेजा गया है, सभी चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। अच्छा चलिए तकनीकी तौर पर पूछे, अगर चलिए स्कूल ड्रेस में नहीं होते, स्कूल के बच्चे नहीं होते, क्या बच्चे इस तरह के काम में लग सकते थे, मतलब ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं जनरली चुनाव के कार्य में इस तरह के कार्य में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है और मेरे ख्याल से इसको हम लोग चेक करवा रहे हैं। कोई बाल श्रम कानून जैसा मामला भी इस पे? बाल श्रम कानून का नहीं है, जापान जैसे देश में तो बच्चे लोग ही स्कूल को साफ सफाई करते हैं, इसलिए इसमें बाल श्रम का कोई चीज नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और बताया कि अब कार्रवाई भी इसमें होगी, जांच का विषय है कि किसने भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा। विपिन हमारे साथ जो शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े और विपिन हमारे साथ जुड़ गए, जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। विपिन देखिए छवि रंजन साहब से हमने बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि पहचान तो कर ली गई है और ये जांच का विषय, मतलब फिर भी जानना चाहेंगे आपसे, मतलब जाहिर सी बात है, मतलब अजीब सी ये चीज थी, मतलब नजर आपकी पड़ी, आपको क्या पता चल पाया इस बारे में? देखिये ये पश्चिम देघिया का वो आरसी मिशन हाई स्कूल था जहाँ की बूथ संख्या 287, 86 और 285, तीन बूथों पर जो मॉडल बूथ वहाँ पर बनाए गए थे, वहाँ पर बच्चों को लगाया गया था और उन बच्चों से चाय बंटवाया जा रहा था, व्हील चेयर वो बच्चे चला रहे थे। जिस तरह से अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से ये गलत है, इसके लिए बजाबते वॉलंटियर नियुक्त किए जाते हैं जो आदर्श मतदान के होते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर और जो बातें सामने आई जो बच्चों ने खुद से न्यूज 11 से बातचीत में बताया कि जो वहाँ के शिक्षक हैं उन लोगों ने उन्हें बुलाया था और अहले सुबह 6:30 बजे, जबकि आमतौर पर पंकज ये सब लोग जानते हैं कि जब मतदान जिस दिन होता है उस दिन उस इलाके में सार्वजनिक छुट्टी होती है और स्कूल बंद होते हैं और स्कूल जो है वो मतदान केंद्र स्कूलों में होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को यहाँ पर लगाया जाना पूरी तरह से गलत था। जो जानकारी मिल रही है कि संबंधित जिन लोगों की गलती थी उनको फटकार भी लगाई गई है और संभवतः उस पर कोई कार्रवाई भी रांची जिला प्रशासन कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग से में भी जब हमारे सहयोगी अंजनी थे तो उन्होंने जब वहां बातचीत की तो जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है। तो जिस तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि जैसे ही यह खबर पंकज जब हमारे चैनल पर चली तो उसके बाद जब दोबारा मैं 10 बजे उस स्कूल पर गया था तो देखा कि बच्चे वहां से नदारद थे, हालांकि यह जरूर था कि वहां पर जो राजस्व विभाग के कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि इसको मत चलाइए गलत हो जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब तक कई इलेक्शन कवर किए हैं हमने, लेकिन इस तरह का नजारा अपने आप में ये दिखा रहा था कि एक घोर लापरवाही यहाँ पर चुनाव के दौरान बरती गई है। विपिन ये मतलब स्वैच्छिक तरीके से लोगों ने आपस में मिलकर ये शरबत चाय की व्यवस्था की या कोई फाइनेंसर भी रहा होगा, कुछ जानकारी निकल पा रही है?
जी देखिए, आदर्श मतदान केंद्र में ये व्यवस्था रहती है, जिस तरह से उसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाता है तो वहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था होती है, डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि अगर धूप हो तो वहाँ पर शामियाना लगाकर मतदाताओं को धूप ना पड़े, पोलिंग परसेंटेज भी इसका असर ना हो, इसलिए उसे मॉडल बूथ बनाया जाता है ताकि वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो। वेबकास्टिंग के जरिए वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सीसीटीवी का दायरा वहाँ पर होता है। तो ये पूरी तरह से एक लापरवाही का मामला है कि बच्चों को लगाया गया था इस कार में, हालांकि तुरंत वहां से उन्हें हटा जरूर लिया गया, लेकिन ये एक बड़ा विषय है कि आखिर बच्चों को लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी, जो वॉलंटियर वहां पर डिप्यूट किए गए थे वो कहां थे, और जब वहां पर जो प्रशासनिक राजस्व विभाग के कर्मचारी थी वो अपने नजरों के सामने अगर ऐसा होता देख रहे थे तो वो मीडिया में बातों के आने से पहले हरकत में क्यों नहीं आया। जी पंकज, बिल्कुल विपिन, हमारे साथ आप बने हुए, राकेश के पास भी चले थे। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या दिखा पा रहे हैं आप, क्या जानकारी आपके पास आ पा रही है और स्थिति क्या वहां पे नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए हम मांडर में हैं और ये मांडर का कंजिया का इलाका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भीड़ दोनों तरफ है और कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर उत्सुकता है। आमतौर पर ये रहता है कि बाय इलेक्शन को लेकर वोटरों में बहुत उत्सुकता नहीं होती है, लेकिन मांडर में जब हम पहुंचे और सुबह से तकरीबन 7 बजे से जब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो लगातार तमाम मतदान केंद्रों पर भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, पुरुष पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर जो बिल्कुल थोड़ा अलग उपचुनाव कहा जा रहा है, आमतौर पर जितने उपचुनाव हुए अभी झारखंड में, चाहे आप दुमका की बात कर ले, बेरमो की बात कर ले, मधुपुर की बात कर ले, तो उससे इतर है ये उपचुनाव। और यही वजह है कि इस बाय इलेक्शन को लेकर जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह है और सुबह से ही 7 बजे से ही वोटरों की कतार जो है, लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगा है। और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े अभी तक आए हैं, तकरीबन 9 बजे के आसपास का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 14% के आसपास वोट हो चुके हैं। और जिस जगह मैं मौजूद हूं, जिस मांडर क्षेत्र में, वहां अभी तक के जो आंकड़े हैं तकरीबन 13% के आसपास जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। पंकज, बिल्कुल राकेश, तो देखिए राकेश और विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जरिए हम लगातार आपको बहुत सारी जानकारी मांडर उपचुनाव से जुड़ी दे रहे हैं। राकेश, अब जैसे कि जैसे हमने पिछली बार देखा था जब हम इससे पहले लगातार कई एक बूथों पर पहुंचे थे तो लास्ट बार हमने देखा था कि महिला मतदाताओं में वो उत्साह नजर आता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कामधाम खत्म हो चुका होगा घर का और अब बढ़ चुकी होगी मतदान केंद्रों पर। तो तस्वीरें वो भी देखेंगे कि महिला मतदाता जो हैं अब इस वक्त उनकी क्या है स्थिति। बिल्कुल, जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ यहाँ 3 बूथ है और अब तस्वीर देखेंगे आप, अगर हम सामने से जरा दिखाना चाहेंगे तो देखिए महिलाओं की कतार है इस तरफ, यानी अब घरों का कामकाज खत्म करके महिलाएं जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना बहुमूल्य वोट कास्ट करने के लिए वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। अगर हम दूसरी तरफ चाहेंगे, हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे चाहेंगे जरा कैमरा पैन करके दिखाएं, इस तरफ की तस्वीर दिखाएं, तो यहाँ महिलाओं की तादाद कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जो आसपास की जो घरेलू महिलाएं हैं, चूंकि ट्राइबल एरिया है, मुस्लिम एरिया है, तो उस वजह से जो तमाम जो महिलाएं हैं जो घर का भी कामकाज करती हैं, खेत में भी काम करती हैं, तो वक्त निकालकर वो जानती हैं कि उनके एक वोट कितना महत्वपूर्ण है जो मांडर की तस्वीर को बदल सकता है। यही वजह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की तादाद अच्छी खासी दिखी जा रही है और जैसे जैसे पंकज दिन चढ़ रहा है, अभी चूंकि 11 बजने के आसपास है तो उसकी तस्वीर अलग आपको नजर आएगी, सुबह की तस्वीर अलग थी। बिल्कुल, सुबह में महिलाओं की तादाद जाहिर तौर पर बूथों पर उतना नहीं था, लेकिन अभी जो वर्तमान तस्वीर है, जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद है महिलाओं की लंबी कतारें हैं। तो बड़ी संख्या में महिला वोटर्स जो है वो घरों से निकलकर अपना कामकाज खत्म करके अब अपना बहुमूल्य वोट कास्ट करने आई हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके एक वोट से मांडर की तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत शुक्रिया विपिन, अब हमारे साथ बने, आपने जानकारी बहुत सारी दी और आप लगातार नजर बना रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मांडर उपचुनाव से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, ताजा तरीन जानकारी, हर एक अपडेट आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे, बता रहे कि किस तरीके से चीजें वहां चल रही है, कैसा उत्साह है, कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ किया गया है,
कौन से आदर्श बूथों में क्या चला, लेकिन सबके बीच में बड़ी जानकारी जो विपिन के माध्यम से हम तक पहुंची वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और देखिए उसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि इस खबर को संज्ञान में लिया गया, विपिन की पार की नजरों से वो खबर हम तक पहुंची। विपिन जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने देखा कि कैसे बच्चों को कैसे लगाया जा सकता है आखिर ऐसे किसी काम में, चुनावी काम में। ठीक है कि वो आदर्श मतदान केंद्र था, वहां पर चाय शरबत की व्यवस्था पहले से रहती है, लेकिन वहां काम के लिए बच्चों को लगाया कैसे गया, स्कूल ड्रेस से बच्चे थे जबकि स्कूलों में छुट्टी होती है। तो देखिए इस मामले को संज्ञान में लिया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया और न्यूज जलवन भारत का खबर का असर भी हुआ है। बिल्कुल, तो न्यूज जलवन भारत के खबर का असर यह हुआ है कि जिस मामले को हमने दिखाया था कि कैसे बच्चे चाय परोस रहे थे, कैसे बच्चे शरबत पिला रहे थे, बच्चे व्हीलचेयर से मतदाताओं को लेकर जा रहे थे, तो इस खबर को हमने दिखाया और इस खबर पर हमने सवाल उठाया, सवाल पूछे बहुत सारे हमने कि आखिर ये कैसे संभव है, क्या ये सही है। जाहिर सी बात है सही बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये घोर लापरवाही से आप माने कि चुनावी काम में आप बच्चों को लगा रहे हैं और बच्चों के बच्चे वो भी स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में, और जबकि स्कूल की छुट्टी होती है जहां पर चुनाव होता है, बावजूद इसके बच्चों को बुलाया गया था स्कूल, वो स्कूल ड्रेस में थे और फिर उन्हें काम पे लगा दिया गया था चाय बांटने का, शरबत बांटने का या फिर व्हीलचेयर से किसी दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता को बूथ तक ले जाने का। इस खबर को हमने दिखाया बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया क्योंकि हमें भी ये नागवार गुजरा, हमारे भी आंखों में खटका ये तस्वीर। हालांकि देखिए सामान्य तौर पर देखें तो बड़ी सामान्य सी चीज होती है, ये बहुत ही सामान्य चीज है, लेकिन सरकारी काम है, चुनावी काम है, उसमें आखिर इन बच्चों को कैसे लगाया जा सकता था, ये लापरवाही कि मतलब हद एक तरह से आप कह सकते हैं। जिसके बाद हमारी खबर का असर हुआ, हमने फिर उपायुक्त जो रांची हैं छवि रंजन उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हाँ ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है, हम इस मामले को देख रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।